तो इस वक्त हम सीढ़ी से ऊपर जाते हैं, ठीक है, और कह सकते हो कि भाई थोड़ा अलग ही टाइप का नज़ारे हैं यहाँ से जो देखने को मिलते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर न्यू व्लॉग्स। तो गाइस कैसे हो। तो गाइस इस वक्त दोपहर होने को जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हुआ है क्या कि कल के दिन बहुत ही ज़्यादा सफाई था और काम तो भाई साहब बहुत ज़्यादा था क्रेन के लिए, ठीक है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमने ठीक करी हैं। ये खैर चार्जर है, ये पहले का चार्जर है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा रियल चार्जर ये वाला है। तो ये सीट भी देख लो गाइस, ये बहुत ज़्यादा काम चलाऊ रह गया है। तो इसे अभी फिलहाल मतलब ऑर्डर दे दिया गया है कि मतलब इसका सीट आएगा, बनेगा और फिर उसके बाद काम होगा। और यहाँ पे मतलब मेंटेनेंस क्रेन बहुत ज़्यादा खोज रहा है, यानी कि बहुत जगहों पे प्रॉब्लम, जैसे कि कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ मैं, जैसे कि जहाँ पे प्रॉब्लम देखने मिले। तो पहले गेट पे देख लो, गेट पे इतने पानी आ रहे थे जिसकी वजह से वो फॉल्ट है। और दूसरा ये देख लो, ये वाला भी बिल्कुल भी फॉल्ट देखने को मिल रहा है, ये बिल्कुल भी फट गया है, अगर इसमें पानी गया तो प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। और दूसरा ये है, ये वाला है, तो ये भी फॉल्ट में देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे भी कुछ चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन इधर उतना प्रॉब्लम नहीं है जितना कि इस साइड में है, सीढ़ी को, सॉरी सीढ़ी कह रहा हूँ, इसमें भी देखने को मिल रहा है, जो सीट है, सीट जो कि ये सारी के सारी प्रॉब्लम ही वजह बन चुकी है। और इसे हमें बनाने के लिए देना ही पड़ेगा, अगर बनाने के लिए नहीं देंगे तो प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, आगे चल के और ख़राब हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे अभी मतलब फिलहाल तो दोपहर होने को जा रहे हैं और वाइब बहुत ही अच्छी आ रही है। तो सामने से देख लो, ये है बेल्ट, सामने बेल्ट लगा हुआ है ना, बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा। और सामने से जो अमेजिंग नज़ारे आते हैं ना, वाकई में बहुत ही अमेजिंग आते हैं। और यहाँ से साइड की वाइब है, और इस साइड में आते हैं तो इस साइड में धुआं क्यों दिख रहा है, जैसा लग रहा है ना कि मतलब कुछ जलाने हैं, फिर उसके बाद धुआं हो जाता है हमेशा से इधर, ऐसा पता नहीं क्यों दिखता रहता है, या फिर मैंने चश्मा लगाया इसके लिए, नहीं चश्मा के कारण तो ऐसा नहीं है। तो अभी फिलहाल गाइस लंच होने को जा रहा है और मैं जा रहा हूँ खाना खाने, और खाना खाने के बाद आएंगे वापस तो बाकी की सारी बातें करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, उतरते हैं और थोड़ा बाकी के खाना वगैरह खा लेते हैं, चलते हैं। तो गाइस इस वक्त हम आ चुके हैं खाना वगैरह खा के, ठीक है, खाना खाया मस्त, 2 से ज़्यादा होने को जा रहा है, मतलब 2 बजकर ज़्यादा होने को जा रहा है, ठीक है। तो भाई इस वक्त स्लैब पे आ चुके हैं, स्लैब पे आवाज़ ज़रूर से सुनने को मिल रहा होगा, कैसा कुछ आवाज़ कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ से जो नज़ारे हैं ना, वाकई में बहुत ही अलग लेवल है, लेकिन अभी यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा अधूरा है, यानी कि 1 साल और जाने वाला है मुझे लग रहा है सर। तो इस वक्त हम चलते हैं क्रेन पे, वाकई में गर्मी भी बहुत तगड़ी लग रही है, क्योंकि गोवा में गर्मी है भाई। तो इस वक्त हम सीढ़ी से ऊपर जाते हैं, ठीक है, और कह सकते हो कि भाई थोड़ा अलग ही टाइप का नज़ारे हैं यहाँ से जो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देख लो, क्रेन है ना, उसका बेल्ट मैंने फंसाया ही छोड़ दिया, ध्यान ही नहीं गया नीचे उतारने के लिए। तो मैंने सोचा चलो और लोड होगा, इसके लिए हमने छोड़ दिए, चलो कुछ और भी लोड उठ सकते हैं। हालांकि सुबह से 2 ही 3 लोड उठाए, इससे ज़्यादा नहीं उठाए। तो भाई इस मौसम देख लो भाई, 1 नंबर है मौसम। और यहाँ से दिख रहा होगा पूरा समुद्र बीच, कयामत मूवी की शूटिंग हुई थी गाइस इस लोकेशन पे, नीचे में है ना सफ़ेद सा बिल्डिंग वहाँ पे, और वो यहाँ पे नहीं है, वो बहुत दूर है। तो चलते हैं अपने क्रेन पे, क्रेन देख लो यहाँ से दिख रहा होगा, क्रेन पे चलते हैं और बाकी की बातें वहीं करते हैं। तो गाइस आ चुके हैं बिल्कुल भी क्रेन पे हम, तो क्रेन पे आने के बाद अभी कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी काम स्लो है और काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे काम स्टार्ट हुआ है, यहाँ लगभग 6 मंथ से मेरे ख्याल से शायद काम बंद था, और दोस्त जो था हमारा वो अभी पूरा रिलैक्स करके यहाँ से गया है घर। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक काम बंद था ना, सभी लोग यहाँ पे स्टे कर रहे थे, सभी लोग मस्त काम कर रहे थे, उनको अच्छा खासा पैसे भी मिल रहे थे ना। तो हमने क्या किया कि मैं तो था वहीं पे, लेकिन ये घर नहीं गया अपना, पार्टनर जो क्रेन को चलाता था ना, वो मेरा पार्टनर ही था, और मैं पहले गोवा में ही था, ठीक है, पहले मैं था यहाँ पे 7th मंथ हो गया, तो 7th मंथ से मैं यहाँ पे नहीं था, बल्कि मुंबई में ही था।
तो कुछ समय से ब्लॉगिंग स्टार्ट किया वहाँ पे, और फिर उसके बाद यहाँ पे देखने को मिला मैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पे मैं ज़्यादातर स्टे कर नहीं पाया था, और फिर उसके बाद साहब ने बोला कि यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे काम है तो यहाँ पे काम करने पड़ेंगे, तो कुछ समय तक के लिए मैं भी हूँ, जब वो आ जाएगा ना तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा वापस मुंबई। तो मैं आप सभी को सबसे पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ तक यहाँ पे जब तक मैं रहूँगा ना तब तक मैं यहाँ के ब्लॉग भी दूंगा, और सबसे बड़ी चीज यहाँ गोवा के जितने भी लोकल बीचेस हैं, फेमस प्लेसेस हैं, और जो भी चीज़ें हैं यहाँ से मैं रिकॉर्ड जरूर से करूँगा, और आप सभी ज़रूर से देखना और प्यार जरूर से देना वीडियो के लिए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से याद से करते रहिएगा, और यहाँ की जितनी भी लोकेशन है ना मैं कोशिश यही करूँगा कि मैं सारा कैप्चर कर सकूँ, ठीक है, क्योंकि उतने समय नहीं मिल पाते हैं। हालांकि डेली तो काम रहते ही हैं, और जो संडे को फ्री होते हैं तो संडे में घूमना पसंद करते हैं, ठीक है। तो संडे किसी भी संडे को मिस नहीं करना है, यानी कि हर संडे कहीं ना किसी लोकेशन पे घूमते बैठे हैं अपने को। तो क्या कहते हो, आप सभी का क्या राय है कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि क्या मैं लोकल चीज़ों का, यहाँ का गोवा का जितने भी लोकल चीज़ें, क्या मैं उसका रिकॉर्ड करके डालूँ या ना डालूँ। अगर डालूंगा तो आप जरूर से बताइएगा कि हाँ डाल सकते हो, और नहीं डालना होगा तो मैं क्रेन का ही दूंगा, ठीक है, जिससे कि आप सभी लोग के लिए भी तो बात तो बनती है ना कि आखिर हाँ मैं यहाँ का डाल सकता हूँ करके। तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और आने वाले संडे में बहुत ही अच्छा लोकेशन पे हम घूमने वाले हैं, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि किसी और गोवा के ऐसी लोकेशन हो जो आप बता सको और वहां मैं जा सकूं, कमेंट करके जरूर से बताइएगा, ठीक है। एक चर्च है यहाँ से दिखता है, ठीक है, लेकिन कंफर्म करके बताना कि वो चर्च है कि क्या है, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है कि वो चर्च ही है, लेकिन यहाँ से काफी ज्यादा दूर है ना, तो मैं जूम करके आप सभी को दिखाने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग कमेंट में जरूर से रिप्लाई करना इसका, ठीक है, दिखाता हूँ। यहाँ पे आते हैं, आप सभी को दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, ये देखो ये वाला, बताओ ये क्या चीज है, आगे में हाईवे भी है, सामने बिल्डिंग भी है, क्या है ये, तो बताओ क्या चीज है, वो चर्च है या फिर कुछ और है, कमेंट में रिप्लाई जरूर से करना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन वाली चीज है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो चर्च है, तो बताओ आप सभी लोग। और इस साइड से देख लो, समुद्र दिखा देता हूँ, समुद्र की वाइब, और ये सामने जो बिल्डिंग है ना अपना, कुछ बिल्डिंग कंप्लीट है, तो यहाँ पे कुछ बिल्डिंग है कंप्लीट है, और इस साइड में देखो चैनल, IBM, पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है, बहुत सारी सामान है, और ये देखो समुद्र है ना, उस साइड जाने के लिए ना अपने को समुद्र के उस साइड जाने के लिए हमें बहुत ज्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, तो बोट जाती है लेकिन पंजे से जाती है, पंजे यहाँ से दूर है, तो बहुत दूर जाना पड़ेगा तब जाके उस साइड जा सकते हैं अपन। शाम हो चुका है बिल्कुल भी, और इस वक्त 6 बजे गुजारा है, ठीक है, शाम वाकई में बहुत ज़्यादा होने गुजारा है, और इस वक्त जबकि लंच के बाद से ही मैं इस वक्त बैठा ही हुआ था, कभी सो रहा हूँ कभी बैठ रहा हूँ, जब काम नहीं रहता तो ऐसा ही कुछ सिचुएशन देखने को मिलता है, और इस वक्त तो फिलहाल शाम होने को जा रहा है। अब उससे पूछना पड़ेगा, मुझे मेरा जो हेल्पर है उससे पूछना पड़ेगा काम वगैरह है या फिर नहीं, तो वो अगर मुझे रिप्लाई करता है कि काम नहीं है तो मैं उतर जाऊँगा, अगर काम रहेगा तो मुझे रुकना पड़ेगा, क्योंकि लंच के बाद से कोई काम हालांकि हुआ ही नहीं था। ओक की आवाज़ कर रहा है यार, अलार्म जैसा कुछ बज रहा है, तो वाकई में इस वक्त वाकई में शाम हो जाता है ना तो फिर मन नहीं करता क्रेन पर रुकने के लिए, क्योंकि काम रहेगा तो रुकते हैं, रुकने के लिए मन करता है, लेकिन ऐसे कोई भी मन नहीं करता। तो वाइब देख लो यार, यहाँ पे बिल्कुल सूरज डूब रहा है, और कह सकते हो, क्या कह सकते हो इसको, सनसेट पॉइंट भी कह सकते हो, सनसेट पॉइंट मैं आप सभी को दिखा देता हूँ यहाँ से कैसा दिखता है, और शाम के टाइम में ही ऐसा दिखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ से देखो दिख रहा है आप सभी को, सूरज सामने में दिख रहा होगा, अभी से जूम करते हैं, देख लो भाई अमेजिंग है ना, बड़ा ही कूल है यहाँ से, और यहाँ से बिल्कुल भी दूसरे दूसरे जगहों की सीन देखने को ज़रूर से मिलेगी, है ना अमेजिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस, ऊपर क्रेन में आने के बाद क्रेन पे ही रुकना पड़ेगा, नीचे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर नीचे जाते हैं तो फिर तो ऊपर आना ही पड़ेगा, तो मेहनत कौन करेगा, तो फिलहाल इस वक्त क्रेन पे हैं। तो गाइस इस वीडियो को एंड करने का वक्त आ चुका है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छे लोकेशन के साथ।